नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज में, हूँ आपके साथ प्रतिमा। देश के राजनीतिक विचारकों की मूर्तियां तोड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण भारत से उठा ये धुआं अब पूर्वी उत्तर भारत में भी फैलने लगा है। ताजा मामले के तहत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया, जिसने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरते जाने के बावजूद वाराणसी जिले में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। घटना वाराणसी जिले के जनसा थाना क्षेत्र की है। जनसा क्षेत्र के चौखंडी गांव तालाब के भीटे पर स्थापित अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने बीती रात क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्राधिकारी सदर अनिल कुमार ने बताया कि सोमवार की बीती रात चौखंडी गांव में कुछ अराजक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके पर पुलिस बल को भी तैनात कर दी गई है। काशीनाथ विश्वविद्यालय परिसर के स्थापना दिवस में एक शताब्दी पूर्व पंडित मदन मोहन मालवीय को महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले वीर बचाओ वीर बाबा की परिसर में मूर्ति स्थापना को लेकर वाराणसी के लंका स्थित मालवीय प्रतिमा के समक्ष बचाओ वीर बाबा संघर्ष स्मारक समिति के लोगों ने भरी हुंकार। आंदोलन में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय गौरव के कीर्ति स्तंभ काशीनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित मालवीय की बचाओ वीर ने महत्वपूर्ण सहयोग दिए हैं। स्वयं पंडित मालवीय की नजरों में वे एक आदर्श व्यक्ति हैं। वीर बचाओ ने अपने प्राणों की आहुति देकर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के प्राणों की रक्षा की। ऐसे वीरों के वीर बचाओ के सम्मान में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिसर में मूर्ति स्थापित नहीं कराना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्ताओं ने कहा कि मूर्ति निर्माण के लिए समिति पूरे बनारस के घर घर से एक एक किलो लोहा इकट्ठा करेगा। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस विषय पर गंभीरता पूर्वक निर्णय नहीं लेता तो समिति आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ ही लोगों ने एक मांग पत्र बीएचयू के कुलपति को सौंपा। जब 3,500 करोड़ में समुद्र में मूर्ति बन सकती है तो मालवीय जी की रक्षा करते हुए जो मरे हैं, मालवीय जी उनकी लाश पर लेट के रोए थे और अंग्रेजों ने उनको उपाधि दिया वीरों में वीर बचाओ वीर। अंग्रेजों ने उनका कलेजा तौलाया चौथा पाव था। आज ये बताइए कि जो इतना वीर आदमी मरा है तो जो आदमी ये सोचेगा कि जब इतनी मूर्ति बन रही है तो मालवीय जी सपने में हम लोग को आएंगे। मालवीय जी संत के रूप में यहाँ रहते हैं तो ये पहला चरण आज मालवीय जी के शरण में हमको माला पहनाना था और उसके बाद ये दूसरा चरण है कि गांव गांव चलकर के एरिया में जितना भी बनारस है एक 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 जो युवा लड़के हैं ये हर की ड्यूटी लगेगी। एक एक किलो सोना की जगह हम लोग
जो लोहा मांगेंगे, सोना मांग लिए हैं 3,500 करोड़ वाले, 300 करोड़ की मूर्ति 3,500 करोड़, और यहाँ हम लोग अपने से केवल ये बात है कि 736 एकड़ दान देने वाला सीर गोवर्धनपुर और बचाऊ वीर यही गांव में पैदा हुए। यहाँ ऐसा बवाल हुआ कि मेरे गांव के ही 2 वीर फांसी पर चले गए, वो भी हम ही लोग के थे, काले पानी गए। तो अगर ये मूर्ति अगर लगती है तो लोग सोचेंगे कि किसी न किसी वजह से ये हत्याएं हुई और लोग गए। मांगेंगे नहीं, माँ दूध नहीं बच्चे को पिलाती है। सवाल ये है कि चुनावी मौसम है, 19 का चुनाव बड़े प्रेम से होगा, जब तक यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा मूर्ति क्यों? हम 20x20 की केवल जगह मांग रहे हैं, एक पैसा भी एचयू प्रशासन से या देश से हम लोग नहीं मांग रहे हैं। आज संजोग था कि मैं 65 साल का हो गया 5 तारीख को, अब मेरा 66वां शुरू हो गया, प्रोफेसर मेरे साथ के सब रिटायर हो जाएंगे। अब हम लोग बुढ़ौती में तो है भी, बूढ़ा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग के शरीर 60 में पाठा वाला है। तो एक आंदोलन, एक और भी ऐसा, मैं 3 आंदोलन लड़ा हूँ, 3 मुख्यमंत्री हारे हैं और सभी अपने लिए नहीं, मैं MLA MP वाला आदमी नहीं हूँ, हम अपना 4 बार टिकट दे चुका हूँ दूसरे को। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति रामनगर द्वारा अपने 5वें स्थापना दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। रामनगर स्थित श्रीमती प्यारी देवी इंटर कॉलेज में श्री दिगंबर पे पर अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने दीप प्रज्वलन करने के साथ किया। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे के सहयोग करने की अपील की, साथ ही देश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाले सहायता एवं पेंशन की भी बात उठाई। इस अवसर पर समिति ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के 10 सदस्यों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरा नाम दिगंबर नागौराव चापके, मैं अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि वरिष्ठ नागरिकों ने सब इकट्ठा आना चाहिए, हर स्तर पर अपनी संगठन स्थापन करना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भी समस्या है वहाँ हर स्तर पर उसका निपटारा करने की आवश्यकता है। और हो सकता है अगर सब इकट्ठा आए और समस्याओं का अभ्यास करें, जो नीतियाँ का अभ्यास करें, जो कानून का अभ्यास करें, तो ये पॉसिबल है। सरकार से कुछ मांगे होंगे हैं आप लोग के वरिष्ठ नागरिक के लिए? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि भाई जो गरीब वरिष्ठ नागरिक है, करीब करीब 8 करोड़ वरिष्ठ नागरिक है देश में, उनको पेंशन दिया जाए। जो असंगठित क्षेत्र से निवृत्त हुए, उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, उनके पास कोई उत्पन्न का साधन नहीं है, तो उनको अगर ये पेंशन मिलता है तो ये पूरा पेंशन जो है कंजम्पशन सेक्टर में आएगा और उसमें रोजगार बढ़ेगा, सरकार का इनकम भी बढ़ेगा बाय वे ऑफ GST और उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। मैं विजेंद्र शंकर मिश्र, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष। आज हम लोगों का ये 5वां वार्षिक अधिवेशन 4 नवंबर 2018 को भारी संख्या में सदस्यों की उपस्थिति में हम लोग मना रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ला जी, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये कि ऑल इंडिया वरिष्ठ नागरिक कल्याण महासंघ के अध्यक्ष श्री दिगंबर चपके जी और उसके सेक्रेटरी जनरल अनिल पी कासकेडकर जी तथा संयोजक श्री सत्यदेव तिवारी जी उपस्थित रहे। अपने सदस्यों की भारी संख्या बल की उपस्थिति आज इस बात को दर्शाती है कि हम भरपूर सुसंगठित हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन इसके साथ आज ये आवश्यकता इस बात की आ गई है कि हम अब अपनी संस्था का विस्तार और प्रसार
इस शहर से हट करके ग्रामीण क्षेत्रों में करें, जहां पर कि बहुत सारे ऐसे तमाम मजदूर किसान जिनके पास कि कोई किसी तरह का कोई सहारा नहीं है, उनको एक कोई आश्रय मिले। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जो वरिष्ठ नागरिकों को या हमारी जो माताएं जो विधवाएं हैं उनको जो दी जा रही है वो ना काफ़ी है। मैं सरकार से ये पुरजोर मांग करता हूं कि कम से कम हर हमारी वरिष्ठ सदस्य को, जो किसान है, मजदूर है, मजलूम है, वो जो सशक्त है, बीमार है, बेजार है, ऐसे लोगों को कम से कम 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति और प्रति मास उनको पेंशन के रूप में, नियमित रूप में उनको मिलने चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़। नमस्कार।